एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज से हमारे कैमरामैन शिवनारायण कुशवाहा जी। आज मैं करनेलगंज तहसील में हूँ जो जनपद गोंडा में आता है। हमारे साथ नौशाद अहमद खान एडवोकेट हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पूरे भारत में सारे सिस्टम क्लोज कर गए हैं और किसानों में, मजदूरों में, आम जनता में सारे के सारे बेहद परेशान हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो नाम चीज़ कोई रही नहीं गई है। इस बारे में खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ठीक बोलिएगा। मैंने बताया ना, अभी हमने कहा जो राहत इंजोरी का शेर कि ढूंढोगे देखोगे तो मिल जाएंगे हर मोड़ पे लाशें, और देखोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। ये हो रहा है। आज कौन खुश है? कहीं से कोई खुश नहीं। और ये जो कोरोना जो है, ये चार लोग इकट्ठा ना हो, सरकार के विरोध में कोई बात ना कहें, इसलिए कोरोना लगा दिया गया। कहाँ कोरोना है? कितने लोग मरे कोरोना? अगर किसी को कोई रोग है उससे मर गया, बता दिया कोरोना है, बाकी क्या है कोरोना? अभी SDM साहब को हमारे कोरोना हो गया, 3-4 दिन बाहर नहीं निकले, ठीक है, कुछ नहीं। तो हर तरीके ये जो बढ़ती कीमतें हैं, जैसे पेट्रोल 80-82 दिख रहा है, जबकि 2014 में जो कच्चे तेल का रेट था वही रेट आज भी है, लेकिन ये बढ़ गया। तो इसलिए कोरोना का जहर फैला जा रहा है कि मतलब ये लोग ये ना समझें, इस सब इकट्ठा हो करके हिंदू मुसलमान और महंगाई के खिलाफ बोले, हाँ भागे रहो बटे रहो, इसलिए हर जगह 144 लगा देते हैं। और कानून व्यवस्था का यह हाल है, पुलिस जिसको भी पकड़ ले जाए बंद कर दे, कुछ नहीं बताए, सीधा सीधा किसी बदमाश से, किसी बड़े लोगों से जोड़ करके जो अपराधी प्रवृत्ति के बताया जाता है ये उनके गुर्गे, तो गुर्गों में सत्ता घर गिरा दिया जाए। जो 15 साल से जेल में है वो उसके गुर्गे आज यहाँ और उनको जिता रहे, जैसे मुख्तार अंसारी, उनको जिता रही जनता और उनको बता रहे हैं उनसे जो भी जरा टच में ये उनके गुर्गे हैं। और अपने तरफ से जो है इनके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लिए उनकी बात ही नहीं कही होती है। भाई उन्नाव वाले कांड में क्या हुआ? रेप किया, रेप करने के बाद क्या हुआ? उनकी जमानत हो गई। और आजम खान ने कौन ऐसा गुनाह किया था जो अब तक के जवान में? तो ये सब देखा जा रहा है, एक विशेष वर्ग को सताया भी जा रहा है और दुनिया देख रही है, हम ही नहीं सब लोग देख रहे हैं। किसान मजदूर का वो हाल है, किसान परेशान है। किसान किसी तरीके से, हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है, ये एक अर्थशास्त्री का कहना। तो किसान के ऊपर नहीं को तो एक बिल ही ला के पेश कर दिया गया, उसमें किसान परेशान। गोएं जोते हम, मेहनत हम करें, दाम वो बांधेंगे और देना पड़ेगा, हम कहाँ देंगे? हम भी किसान हैं। गन्ने का बताया गया था, सरकार ने बताया था कि किसानों की आय दुगनी करेगी, कहाँ दुगनी हुई? इतने जंगली जानवर आके फंस गए कि वैसे दुगनी किया, सब खत्म कर रहे हैं। गन्ने का 1 पैसे का दाम किसानों का बढ़ा है, बता दे सरकार। जो कुछ बढ़ा था वो मुलायम सिंह ने बढ़ाया था, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। कल्याण सिंह ने 2 रुपया बढ़ाया था, एक भाड़ा में कट गया, एक पे रिश्ते आ गए, वही हो रहा है। एक बार उसके बाद कह रहे किसानों की आय दुगनी करेगी, हाँ कुछ नहीं बढ़ा, हाँ वो वही आय दुगनी कर रहे हैं। जो किसान मेहनत करके खाद पानी देके फसल तैयार करता है उसको ये लोग नष्ट कर देते हैं, चल जाते हैं। तो किसानों की आय कहाँ से दुगनी होगी? कल मैं गांव की तरफ था, आपकी गांव की तरफ, और जो किसान है जब धान तैयार हो रहे हैं तो उसका रेट 900 रुपये क्विंटल बता रहे थे, तो उसमें उनकी लागत भी नहीं आ पा रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? लागत कहाँ से आएगी? पानी, खाद, बीज सब लेकर के लागत जो है करीब 1200-1400 रुपये तो कम से कम लागत आ ही जाती है। खेती भी हमारे यहाँ होती है, अब उसमें अब जो बिल आ गया है उसमें जो पैसा बांध देंगे वो देना पड़ेगा। जो धान खरीद केंद्र बने हैं उसका जो सरकार ने रेट दिया उस पर खरीदते ही नहीं खरीदते, नहीं लेते। अब आपकी ज़रूरत है, आपने किसी से कर्जा लिया है कि फसल तैयार होगी देंगे, तो जाहिर सी बात है मजबूरी में आप देंगे, बेच करके कम रेट पर बेच करके देंगे।
इसके लिए सरकार का कोई इंतजाम नहीं। पूरे देश का किसान और मजदूर आम जनता आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद ये पहला मौका है कि पूरे देश के लोग परेशान हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसानों की जो आय दुगनी करने की सरकार बात कर रही थी वो बिल्कुल खोखला साबित हो रही है। जो स्थिति बनी हुई है, किसान के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार किसानों के हित में कोई फैसला ले रही है। और उसके बाद जो किसान विरोधी बिल आ गया है उससे ऐसा लगता है कि जितने भी पूंजीपति हैं वो किसान ज़मीन ले लेंगे और किसान उसी खेत में अपने ही खेत में मजदूरी करेगा। एक जो साजिश चल रही है भारत सरकार की वो बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में किसानों को एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा, अगर नहीं किया तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।